इस वीडियो में हम करेंगे Xiaomi Redmi Note 5 Pro की अनबॉक्सिंग, सो लेट्स बिगिन। Hey, what's up guys, my name is Zaheer. So ये है Xiaomi Redmi Note 5 Pro का बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में इसके कलर वेरिएशन के फोटोज बने हुए हैं और Redmi Note 5 लिखा हुआ है बाय Xiaomi, साइड्स में भी Redmi Note 5 Pro लिखा हुआ है। पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, जैसे कि 6 इंच का डिस्प्ले है फुल HD प्लस वाला, डुअल कैमराज है, स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर दिया हुआ है, 4000 mAh बैटरी है, इसमें 4GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है, और भी कई चीज़ें इधर दी हुई है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बाय द वे गाइज, मैंने ये स्मार्टफोन MI स्टोर से ख़रीदा है, इसके वजह से इसमें सील नहीं लगी हुई है। वो लोग सील को ओपन करके देखते हैं ताकि इस फ़ोन को कोई ब्लैकमैन बाहर ना बेच पाए। तो चलिए अब खोल लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है ये सिलिकॉन केस, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मतलब पहली मरतबा Xiaomi ने सिलिकॉन केस अपने फ़ोन के साथ बंडल करके दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें जाके बाहर दूसरा कवर नहीं ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हम सब स्मार्टफोन के साथ केसेस तो यूज़ करते ही हैं, क्योंकि Xiaomi के स्मार्टफोन बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उसके बाद हमें मिलता है Xiaomi Redmi Note 5 Pro, उसे साइड में रखते हैं। उसके बाद ये मिलता है यूज़र मैनुअल, एंड देन वारंटी गाइड मिल जाती है, और उसके बाद सैडली हमें मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। काश USB टाइप सी होता तो मज़ा आता यार। देन हमें मिलता है 5V 2A का चार्जर। लास्ट में हमें मिलता है सिम इजेक्टर। चलिए अब Xiaomi Redmi Note 5 Pro को देख लेते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट ये जो डिज़ाइन है iPhone 10 वाला, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। और बाय द वे मैंने ब्लैक कलर इसलिए लिया क्योंकि फ्रंट में जो वाइट कलर की स्ट्रिप आती है, अगर गोल्ड कलर दो तो बहुत बेकार लगती है मुझे इसके लिए। चलिए अब स्टिकर्स को निकाल लेते हैं, ये स्टिकर्स कोई काम के नहीं वैसे। सो गाइज, अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके कुछ प्लेसमेंट्स। तो पीछे की तरफ देखा जाए तो दो कैमराज है, उसमें से एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि f2.2 अपर्चर के साथ में आता है। उसका सेंसर साइज 1.25 माइक्रोन पिक्सल है, और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है विद द अपर्चर ऑफ f2.0, और LED फ्लैश भी है, एंड MI लोगो एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पीछे ही है। फ्रंट में देखा जाए तो 20 मेगापिक्सल का f2.2 कैमरा, ईयरपीस, LED फ्लैश, सम सेंसर्स। देन हम लोगों को मिलता है 6 इंच का फुल HD प्लस स्क्रीन। उसके नीचे 3 सॉफ्टवेयर कैपेसिटिव टच बटन्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ देखा जाए तो इंफ्रारेड ब्लास्टर मिलता है, जिससे आप अपनी TV वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है। नीचे की तरफ देखा जाए तो स्पीकर ग्रिल्स और अफसोस के साथ माइक्रो USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और हेडफोन जैक मिलता है। राइट साइड में देखा जाए तो वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है, और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो एक हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, और हाइब्रिड स्लॉट में आप या तो डबल सिम या तो एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। अब चलिए फर्स्ट बूट करने के बाद हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद मुझे ये दिखा है कि ये स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉयड 7.1 नूगट पे काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर कम से कम एंड्रॉयड ओरियो तो आ गया होगा, बट इसमें एंड्रॉयड ओरियो नहीं आया है, जो कि Xiaomi की पहले से आदत, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन जल्दी नहीं देता है, बट उसकी स्किन सेम ही होती है, तो वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है एंड्रॉयड ओरियो आने से या ना आने से। और चलिए मैं अभी आप लोगों को केस लगा के दिखा देता हूँ। ये केस बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कटआउट्स वगैरह बहुत ही प्रॉपर हैं। और मैं अभी अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताऊँ तो फ़ोन थोड़ा हैवी लग रहा है, और मैं अभी तक के Lenovo Z2 Plus चला रहा था, जिसकी स्क्रीन 5 इंच है। इस फ़ोन में 6 इंच का स्क्रीन है, तो सडनली मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है ये स्मार्टफोन यूज़ करने में, बट कुछ दिन में इसकी भी आदत पड़ जाएगी। और इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो 18:9 है, तो थोड़ा ये लंबा लगता है हाथ में पकड़ने में, और थोड़ा हैवी भी लगता है। ऐसा देखा जाए 181 ग्राम का इसका वेट है। पीछे का जो हिस्सा है वो मेटल का बना हुआ है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह कैच करता है, बट जो ऊपर और नीचे की तरफ प्लास्टिक बैंड्स दिए हुए हैं वो थोड़ा इसको ख़राब लुक देते हैं। और उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर के साइड पर बात की जाए तो MIUI 9 मिल रहा है हमें, और कैमरा देखा जाए तो इसमें फ्रंट फेसिंग का 20 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। ये थोड़ी बहुत सेल्फीज़ में डाल दूंगा, ये देख लीजिए, और ये रियर फेसिंग कैमरा का भी एक फ़ोटो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बाय द वे मैं इसकी बहुत ही डिटेल में टेस्टिंग करने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी इस फ़ोन पे, इस चैनल पे, एज वेल एज माय इंग्लिश चैनल। तो इस चैनल और मेरे इंग्लिश चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ देखने के लिए। वैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ही फास्ट लग रहा है, और मैं इसको और भी टेस्ट करूँगा और भी वीडियोज़ बना के इस चैनल पर डालूंगा।
सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी के आइकन को भी ज़रूर से दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी मैं नई वीडियो डालूँ. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड या प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. बाय बाय.